हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है विषय शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो हर किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने मोबाइल के अंदर। क्या होता है फ्रेंड, हमारे फ़ोन में दो सिम होती है, ठीक है, हर किसी के फ़ोन में होती है। कभी हम एक से डाटा यूज़ करते हैं, कभी दो से यूज़ करते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हम डाटा यूज़ कर रहे होते हैं एक सिम से और हमें कॉल आ जाती है नंबर दो सिम पे। किसी के पास नंबर दो सिम होता है, उसके पास कॉल आ जाती है। तो कभी कभी कॉल करते करते हमें अपना डाटा यूज़ करना पड़ जाता है। मान लो कोई पूछ लेता है, भैया उसकी ट्रेन के बारे में मुझे बताओ यार, कहाँ जा रही है, या तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूँ चेक करो। तो उस टाइम हमें क्या होता है, क्योंकि डाटा तो हमारा चल रहा होता है, एक नंबर सिम पे कॉल आई है दो नंबर सिम पे, तो जहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अभी अभी क्या करें, या तो फ़ोन कट करना पड़ता है, फिर हमारा डाटा आता है, फिर हम वो चेक करते हैं, हम दोबारा उसको कॉल करते हैं। ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, आप मोबाइल में एक सेटिंग ऑन कर लो जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। वो सेटिंग जैसे आप ऑन कर लोगे फ्रेंड, उसके बाद आप किसी भी नंबर पे कॉल आए, मतलब किसी भी सिम पे कॉल आए, चाहे आपका डाटा दो नंबर पे चल रहा है एक नंबर पे कॉल आए, चाहे एक नंबर पे डाटा चल रहा है दो नंबर पे कॉल आए, तो आपका नेट चलेगा। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस आज के बाद कभी भी करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड। मेरे पास एमआई का फ़ोन है, तो मेरे पास जो मैं अभी सेटिंग दिखा रहा हूँ ये एमआई फ़ोन की है, जो तो आप देख के जान जाओगे। और अगर किसी के पास किसी दूसरी कंपनी का फ़ोन है, सैमसंग का, वीवो का, ओप्पो का है, या किसी भी ब्रांड का फ़ोन है, तो उसने आपने क्या करना है, अपनी सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद एक आएगा कनेक्शन सेटिंग, कनेक्शन सेटिंग पे बाद मोबाइल नेटवर्क पे जाना है। जैसे फ्रेंड मैं उस वाले पे बता रहा हूँ, इसका तो मैं आपको लाइव ही दिखाने वाला हूँ। जो मेरे पास एमआई का फ़ोन है, जिसके पास दूसरी कंपनी का फ़ोन है उसका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप जैसे मोबाइल नेटवर्क पे चले गए, तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, अलाउ ऑल सिम टू यूज डाटा ऑन कॉल्स, ठीक है। मतलब कि भी ये एक ऑप्शन रहता है, वो ऑफ रहता है, उसको आप ऑन कर लीजिए। और जैसे आप ऑन कर लोगे, तो आपकी कॉल किसी भी सिम पे आए या आपका डाटा किसी भी सिम पे चले, तो आपका नेट चलेगा। कोई भी फ्रेंड आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है व्हाट्सएप पे, या आप उसको कोई सब बताना है, तो सिंपली आप कॉल को स्पीकर पे लगा के रखो और सबको से उसको बताते जाओ। और ठीक है फ्रेंड, जिसके पास एमआई का फ़ोन है, जो साथ साथ में बता रहा हूँ, ये देखो मैं सेटिंग पे चला गया हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद फ्रेंड हमने क्या करना है, मोबाइल नेटवर्क पे चले जाना है। जी देखो मैं मोबाइल नेटवर्क पे चला गया हूँ। उसके बाद फ्रेंड ये लिखा हुआ है, यूज मोबाइल डाटा ड्यूरिंग वोल्टी कॉल्स ऑन स्क्रीन सेकेंडरी सिम, ठीक है फ्रेंड। ये लिखा हुआ है, इसको आप ऑन करके रखो। तो जैसे आप इसको ऑन करके रखोगे, तो वही बात जो मैंने पहले बताई है, कॉल किसी भी नंबर किसी भी सिम पे आए, डाटा किसी भी सिम पे चले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका नेट चलेगा। तो आप जिसके बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता फ्रेंड मेरी ये छोटी सी कोशिश जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया, तो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, जो नीचे का रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जो मेरे चैनल पे नए नए वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा रियल और ट्रस्ट वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मुझे भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, लव यू ऑल।